हाय गाइस, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। लास्ट वीडियो में हमने स्टोनेज के बारे में डिस्कस किया। नाउ आज हम लोग वहां से आगे का सफर जो हमारा है उसको स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, ठीक है? क्योंकि अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेक्शन में से पूछे जाते हैं। इस चीज़ को समझते हैं दैट क्या थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, बिकॉज लास्ट जो वीडियो हमने डिस्कस की उसमें हमने देखा कि किस तरीके से अलग अलग स्टेज और हिस्ट्री जो है हमें बताती है कि किस हिस्टोरियंस थे वो हमें बताते हैं दैट इंसान कैसे एक स्टेज से दूसरी स्टेज देन तीसरी स्टेज देन आगे 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 जो है वो बड़ा। अब कल हमने पढ़ा था कि इंसान जो है वो सेटल होना स्टार्ट हो गया था। अब नाउ उन्हीं सेटलमेंट के बीच में जो पैलोलिथिक एज हमने पढ़ी थी, नियोलिथिक एज पढ़ी थी, जितनी भी एजेस हमने पढ़ी थी उन्हीं के बीच में कहीं पर इसका गैप आता है। हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में आप पढ़ोगे, मोहनजोदड़ो के बारे में और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक मैं आपको ये बता दूं दैट जिस तरीके से आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, देखिए इंडस तो रिवर का नाम है, उसकी वैली, इंडस जो वैली बनाती है उस वैली के आजू बाजू में जो सेटलमेंट होगी उसको हम कहेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। कल भी मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि याद रखना कोई भी सिविलाइजेशन है, चाहे वो इंडियन सिविलाइजेशन है, चाहे वो चाइनीज सिविलाइजेशन है, चाहे वो मेसोपोटामिया है, कोई भी आप ले लोगे, एक मेरी बात याद रखना कि कोई भी सिविलाइजेशन जो होगी वो हमेशा नदी के किनारे होगी और उसी को हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे हम यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कस कर रहे हैं, इंडस रिवर को हम लोग उसके आजू बाजू में जो लोगों ने सेटलमेंट करी थी, जो उन्होंने वहाँ पर डेवलपमेंट करी थी उसको हम डिस्कस करेंगे। रिवर के पास जो है आने के इनके मेन वजह क्या था? बिकॉज इनको पानी इजिली मिल जाता था, ये लोग नेविगेशन कर सकते थे, बिकॉज ट्रांसपोर्ट भी करनी होती थी चीज़ें यहाँ से वहाँ, और जितनी भी इनकी रिक्वायरमेंट होती थी लाइफ को लेकर ये उस नदी के आसपास में वो पूरी हो जाती थी। तो इसीलिए इन जो पहली सिविलाइजेशन जो भी होगी वो किसी रिवर के आजू बाजू में होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर। सबसे पहले जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो परफेक्टली इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आपको पता है कि दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो फोर अर्लीस्ट जो सिविलाइजेशन है, जैसे मेसोपोटामिया है, चाइनीज सिविलाइजेशन है, ठीक है, उन चार सिविलाइजेशन में से एक सिविलाइजेशन इंडिया की भी है और इंडिया की जो है उसको हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रेडियो कार्बन डेटिंग, जो हमारे रेडियो कार्बन डेटिंग एक प्रोसेस होता है जिससे हम किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट डेट मालूम कर सकते हैं कि वो चीज़ कितनी पुरानी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये इसकी डेट है 2500 से लेकर 1720 के बीच, 1750 तक के बीच में जो भी आपकी लाइफ है उसको हम लोग कहते हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन था। ये इसका टेन्योर है। कल भी हमने टेन्योर देखा था 50,000 साल से लेकर 500,000 साल से लेकर 10,000 साल तक के बीच में, हमने कहा था ये वाली एज है, पैलोलिथिक एज है, फिर दूसरी नियोलिथिक को भी डिस्कस किया था। अब ये कह रहा है 2500 से लेकर 1750 तक का जो बीच वाला जो हिस्सा है वो जो टेन्योर है उस टेन्योर को कहा है कि उस टाइम पर इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ करती थी। समझ रहे हो आप इस बात को? इतने साल पुराने अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन कहीं ना कहीं पर पाई जाती थी। उसके बाद हम देखें इंडस वैली सिविलाइजेशन की खासियत को देखते हैं, उसके एरिया को देखते हैं कि वो कैसी हुई होगी। तो सबसे पहले देखा जाए तो इसमें बड़ा ही सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग था जो ग्रिड सिस्टम पर बेस्ड था। ग्रिड सिस्टम अगर मैं आप करूं तो आपके फोन में भी एक ऑप्शन होता है लिस्ट सिस्टम, ग्रिड सिस्टम। तो ग्रिड सिस्टम कुछ ऐसे होता है, ठीक है, पूरा प्रॉपर आप देखोगे तो ऐसे प्रॉपरली इसमें क्या होता है, जैसे ये रोड बनाई जाएगी, ठीक है, इस पर 90 डिग्री पर हर एरिया जो है वो एक दूसरे को कट, घर जो है प्रॉपर, जैसे हम आज प्लान्ड सिटीज का कंसेप्ट आजकल चला हुआ है जहां पर आजकल कोई भी सिटी जो होती है वो प्लान करके बनाई जाती है कि यहां से रोड निकलेगी, यहां से ड्रेनेज निकलेगा, यहां से रोड की गाड़ी जो है एंटर करेगी, यहां पर घर, जैसे आज भी आप यूरोप में देखते हो ना बहुत सारे घर आपको एक जैसे ही दिखते हैं, प्रॉपरली उनका पूरा शेप जो है वो बनाया हुआ होता है। सो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ये उनका भी आइडिया था जो आज आप लोग अपना रहे हो। सॉरी,
आज जो आप चीजें कॉपी कर रहे हो, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बहुत पहले करते थे। सोचिए कैसा टाइम, जब आप बोल रहे हो कि इंसान कुछ भी नहीं था, अभी अभी इंसान ने सेटल होना स्टार्ट किया था, एक जगह पर वो रहना स्टार्ट कर गया है, और उसने एकदम से उसके माइंड में ये आया कि नहीं, मुझे टाउन जो मेरा रहने की जगह होगी वो प्रॉपर सिस्टम से होगी, वहां पर पूरे 90 डिग्री, जैसे आपके ग्रिड सिस्टम होता है, एक बार गूगल पे सर्च कर लेना ग्रिड सिस्टम क्या होता है। यहां पर भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं। जैसे ये रोड होगा, ठीक है, ये रोड होगा, आगे जाके ये रोड ऐसे टर्न होगा, आगे भी जाएगा, इस जगह में घर बनाए जाएंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे घर बनाए जाएंगे, मतलब हर घर को एक्सेस किया जाएगा, रोड के साथ कनेक्ट किया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से एडवांस थे, और ये भी माना जाता है दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग काफी ज्यादा एडवांस थे, ठीक है, काफी ज्यादा, सब सिविलाइजेशन में से इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो काफी ज्यादा एडवांस थी, ठीक है। तो इनका जो मतलब सिस्टम था, प्लानिंग का जो सिस्टम था, वो पूरा ग्रिड सिस्टम था, बर्नट ब्रिक्स ये यूज करते थे। गाइस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए पकी हुई ईंटें जो आज आप यूज कर रहे हो, ये कंसेप्ट भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का कंसेप्ट है, वो बर्नट ब्रिक्स का यूज करते थे। आज आप सीमेंटेड जो है यूज कर रहे हो ब्रिक्स का, आप आयरन का यूज कर रहे हो, लेकिन वो लोग आयरन के बारे में नहीं जानते थे, ठीक है, ये सिर्फ किसके बारे में जानते थे, ईंटों के बारे में जानते थे, और इसी ईंटों से ही अपने घर भी बनाते थे। वेल मैनेज्ड ड्रेनेज सिस्टम भी था इनका, ड्रेनेज सिस्टम इतना सही था, पूरा प्रॉपर पानी कहाँ से आएगा, पानी कैसे जाएगा, पानी कहीं पर रुकना नहीं चाहिए, पूरा प्रॉपर तरीके से, बीमारी भी नहीं फैलनी चाहिए, इस तरीके से उन्होंने अपना ड्रेनेज सिस्टम को डेवलप किया हुआ था, ये परफेक्ट है। यहां पर अगर चीजें समझ नहीं आ रही हैं, पीडीएफ जब आपको मिलेगी, पीडीएफ को एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है, उसमें आपको चीजें समझ आ जाएंगी। उसके बाद हम आगे देखें तो इनका फोर्टिफाइड सिटाडेल होता था, ठीक है, जो इनकी सिटी होती थी ना वो फोर्टिफाइड होती थी। मान लीजिए कि ये इनकी सिटी है, तो इसको चारों तरफ से इन्होंने कवर किया होता था, उसको फोर्टिफाई किया हुआ था, पूरी जो है चार द्वारी टाइप जो है वो किला टाइप जो है इन्होंने बनाए हुए थे। हाईली अर्बनाइज थे ये लोग, एंड एब्सेंस ऑफ आयरन इंप्लीमेंट्स, याद रखिएगा, एक यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, दैट जो इंडस वैली के लोग थे वो आयरन का यूज नहीं जानते थे। गाइस ये मेरी बात याद रखना, वो कॉपर का यूज जानते थे, ब्रॉन्ज का यूज जानते थे, लेकिन वो आयरन का यूज नहीं जानते थे, ये मेरी बात याद रखना। कल भी मैंने आपको बताया था, पहले इंसान ने कॉपर के बारे में जाना है, फिर ब्रॉन्ज के बारे में पता किया है, फिर उसको आयरन का पता जो है आयरन लास्ट में उसको पता चला है। तो ये भी याद रखना, पहला मेटल कौन सा था, क्या आपसे पेपर में पूछा जाता है कि क्या इंडस वैली के लोग आयरन के बारे में जानते थे, तो याद रखना नहीं जानते थे। कब जानेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ हम देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये आपको मोहनजोदारो का नाम भी सुनने को मिलता है, काफी एक और इंपॉर्टेंट साइट है मोहनजोदारो, और मोहनजोदारो में एक इंपॉर्टेंट जगह, मतलब आप कह सकते हो एक इंपॉर्टेंट चीज थी वहां पर, जिसको हम कहते हैं द ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ के बारे में आपको मैं बताऊं तो बेसिकली ग्रेट बाथ होता क्या था, ये एक रिलीजियस पर्पज के लिए यूज किया जाता था, ठीक है, आपने मूवी भी देखी होगी, मोहनजोदारो मूवी भी आई थी, उसमें भी ये कंसेप्ट जो है वो दिखाया गया है। ग्रेट बाथ का कंसेप्ट वहां पर था, और ग्रेट बाथ में क्या है वो किस लिए यूज होता था, रिलीजियस बाथिंग के लिए यूज होता था, याद रखना, पब्लिक के लिए वो नहीं था, बल्कि किस लिए था, रिलीजियस बाथ के लिए वो यूज होता था, इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी पूछा जाता है ग्रेट बाथ का यूज किस लिए होता है, तो याद रखना ग्रेट बाथ का जो यूज है वो रिलीजियस बाथिंग के लिए होता था। देयर वर चेंजिंग रूम्स अलोंग साइड, और इस देखिए ऐसे था ये पूरा, ठीक है, इस तरीके से, और इसके साथ साथ में इन्होंने पूरा चेंजिंग रूम भी बनाए होते, जैसे आजकल आप देखते हो स्विमिंग पूल, और उसके साथ में प्रॉपरली कैसे आप देखते हो होटल्स के चेंजिंग रूम वगैरह बनाया हुआ है। तो ये कंसेप्ट जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो है वो यूज किया करते थे, ठीक है। हमें मोहनजोदारो में 6 ग्रैनरीज का भी जो है ट्रेसेस मिले हैं। ग्रैनरीज बेसिकली ये लोग अनाज को स्टोर करने के लिए यूज करते थे, इन अ रो में मिले हैं, वर फाउंड इन द सिटाडेल एट हड़प्पा, ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है। 6 ग्रैनरीज हमको कहां पर मिली है, हड़प्पा सिविलाइजेशन में मिली है, ये याद रखना मेरी बात। द टाउन्स वर डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है कि जो आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो टाउन थे ना वो 2 हिस्सों में डिवाइड थे, ठीक है, 2 हिस्सों में डिवाइड थे वो, ठीक है, 2 हिस्से कौन से थे, अपर पार्ट को वो सिटाडेल कहते थे, मतलब अपर सिटाडेल और लोअर सिटाडेल, ठीक है, याद रखना अपर सिटाडेल
लोअर सिटाडेल, दो सिटाडेल थे, सिटाडेल रख लो सिटी लाइफ, ठीक है, दो थे। अपर में जो है कहा जाता है कि अपर में मर्चेंट्स लोग रहते थे, थोड़े जो अमीर लोग होते थे वो रहा करते थे, और लोअर सिटाडेल में आम लोग, हमारे जैसे लोग जो हैं वो रहा करते थे, जैसे आज भी होता है वीआईपी एरिया और आम बंदे का एरिया। आप देख सकते हो कि कितने वीआईपी एरिया में कैसा पॉश एरिया होता है, लेकिन कॉमन लोग कैसे रहते हैं। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी हमें जो है ये कंसेप्ट देखने को मिलता है, उनकी जो सिटी थी उसकी फोर्टिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है पता किया गया है दैट उनकी जो सिटी थी वो दो हिस्सों में डिवाइड थी। याद रखना, वो पूछते भी हैं कि हड़प्पा की सिविलाइजेशन कितने पार्ट में डिवाइड थी, तो याद दो, अपर सिटाडेल लोअर सिटाडेल। अपर सिटाडेल में कौन रहते थे, मर्चेंट क्लास रहती थी या जो भी वहां की रूलिंग क्लास थी, और लोअर सिटाडेल में रहते थे आम जनता। साथ ही साथ हम देखें तो वहां पर रूल किसका होता था, गवर्नमेंट किसकी थी, गवर्नमेंट थी मर्चेंट क्लास की, ठीक है, नो डेमोक्रेसी नो कुछ, मतलब जैसे आज आप कहते हो कि गवर्नमेंट है, तो उस टाइम पर भी जो गवर्नमेंट थी वो कौन चलाते थे, जो मर्चेंट्स थे ना, मतलब तो मर्चेंट के हाथों में पूरी गवर्नमेंट थी, वो सिस्टम को चलाते थे। गाइस इंपॉर्टेंट है याद रखना, नो इविडेंस ऑफ वेपन्स आर फाउंड देयर, लेकिन हमें किसी भी प्रकार का कोई भी हथियार जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन के पास नहीं मिला है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि वो काफी शांति प्रिय लोग थे, कोई वॉर वगैरह में वो इन्वॉल्व नहीं थे, अपने काम से काम रखने वाले लोग थे, तो हमें वहां पर वेपन जैसी कोई चीज नहीं मिली है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो शांति प्रिय लोग थे गाइस, ठीक है। तो देखिए क्या क्या आपने पढ़ा अभी तक हड़प्पा सिविलाइजेशन की, आपने देखा कि उनकी जो है टाउन प्लानिंग कैसी थी, प्रॉपर वे पड़ी थी, ड्रेनेज सिस्टम उनका प्रॉपर था, उनके जो सिस्टम था ग्रिड सिस्टम था उनका, है ना। साथ ही साथ आपने क्या देखा इंपॉर्टेंट, इसमें आपने देखा कि ग्रेट बाथ मोहनजोदारो में पाया जाता था जो रिलीजियस बाथ के लिए यूज होता था, 6 ग्रैनरीज हमें मिली हैं। अच्छा, जो हड़प्पा जो ये भी सिविलाइजेशन थी ये दो हिस्सों में डिवाइड होती थी, इनके मोस्टली जो भी सिटीज होती थी इनके सिटीज के बारे में हम पढ़ेंगे आगे जाकर, ये सिर्फ आपको बेसिक में बता रहा हूं। तो साथ ही साथ हमने देखा कि इनके जो मतलब टाउन्स थे वो दो हिस्सों में डिवाइड थे, अपर सिटाडेल लोअर सिटाडेल, सिटाडेल का मतलब ही रखना याद टाउन जो होता था, तो इनके जो टाउन थे वो दो हिस्सों में डिवाइड थे, और जो वहां पे रूलिंग क्लास थी वो कोई किंग विंग का कंसेप्ट नहीं था, बल्कि वहां पर रूलिंग क्लास कौन थी, मर्चेंट, राजा वाजा का कंसेप्ट नहीं है यहां पर, याद रखना मेरी बात, नो कंसेप्ट ऑफ किंग, नो कंसेप्ट ऑफ मोनार्की, बट देयर इज क्लास ऑफ मर्चेंट जो उस एरिया को गवर्न करती थी, ये मेरी बात ध्यान में रखना, ये इनका पॉलिटिकल। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि पॉलिटिकल नेचर कैसा था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, तो आपको ऑप्शन में दिया होगा क्या वहाँ पर मर्चेंट क्लास रूल कर रही थी, मोनार्की थी, डेमोक्रेसी थी या जो भी था, तो लेकिन आपने याद रखना कि क्लास ऑफ मर्चेंट जो है वो रूल किया करते थे। उसके बाद हम देखें इंडस पीपल जो है वो बीज भी बोते थे, ठीक है, नवंबर में वो बीज बोते थे, और फिर उसको अप्रैल में आकर हार्वेस्ट करते थे, उसको अप्रैल तक आते आते वो क्या करते थे, उस फसल को काटते थे, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर डेंजर ऑफ फ्लड, ठीक है। अच्छा, प्रोड्यूस ये क्या क्या, देखिए अब यहां से आपको पता चलेगा ये किस किस के बारे में जानते थे, याद रखना वीट के बारे में ये जानते थे, बार्ले के बारे में जानते थे, राई के बारे में, पीस के बारे में, सीसम के बारे में, राइस एंड मस्टर्ड के बारे में ये जानते थे गाइस, ठीक है। एंड एक और इंपॉर्टेंट, हड़प्पा ये जो आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो पहले लोग थे जिन्होंने कॉटन को प्रोड्यूस किया था, फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन, याद रखना। अगर आपको पूछा जाए दैट हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो मेजर क्रॉप, मतलब जो सबसे मतलब इंपॉर्टेंट जो वहां पर जो लोग वो फर्स्ट टाइम जो उन्होंने यूज किया था वो क्या था, तो याद रखना फर्स्ट सिविलाइजेशन जो कॉटन का यूज करना जानती थी वो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, इतने एडवांस थे हम लोग। देखिए कब से हम लोग कॉटन का यूज कर रहे हैं, Which was the Greek termed as, अब ग्रीक्स ने अपनी बुक्स में इस कॉटन का नाम जो है वो क्या दिया हुआ है, सिडोन, याद रखना। तो अगर आपको पूछा जाए कि ग्रीक ने कॉटन को क्या नाम दिया गया है, तो सिडोन ड्राइव फ्रॉम द सिंध। अब ये लोग सिंध एरिया में रहते थे, सिंध इज इन पाकिस्तान, तो जो सिविलाइजेशन पाकिस्तान एरिया में, अभी मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा, तो सिंध वाला जो एरिया था ग्रीक्स उसको कहते थे सिंध एरिया, मतलब सिंध से जो लाई गई चीज है कॉटन को वो कहते थे सिडोन, मतलब ऐसी चीज जो कहां पर मिलती है, सिंध में, सिंध के लोग उसको कॉटन, हम तो आज उसको कॉटन कहते थे, मे बी ये कुछ और नाम से जानते थे, लेकिन ग्रीक्स ने अपनी बुक्स में कॉटन का नाम जो है वो मेंशन किया हुआ है, और वो कहा गया है कि ये सिडोन है, और सिडोन मतलब सिंध से लाई गई चीज। किन किन एनिमल्स के बारे में ये जानते थे, देखिए ऑक्स के बारे में ये जानते थे, शीप के बारे में जानते थे, बुफेलो, गोट, पिग, एलिफेंट, डॉग, कैट्स,
एसेस एंड कैमल्स के बारे में जानते थे, लेकिन एक मेरी बात याद रखना, लॉयन का कंसेप्ट हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है। इट मीन्स इनको लॉयन के बारे में कोई कंसेप्ट नहीं था। ये आगे जाकर हो सकता है उन्होंने आइडेंटिफाई किया हो उसको या पर, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग लॉयन के बारे में नहीं जानते थे गाइस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, अगले टॉपिक की तरफ। अगला क्या है उसके बाद हम देखते हैं कि यहां पर क्या था। यहां पर जो है वेल निट एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्रेड भी था, वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी इकोनॉमी जो है वो ट्रेड पर भी डिपेंड थी, मतलब ये ट्रेड भी किया करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो हैं वो ट्रेड भी किया करते थे, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। इसके बहुत सारे ट्रेसेस आपको मिलेंगे, ठीक है, जैसे सिल्वर वगैरह ये ट्रेड करते थे, ठीक है। लैपिस लाजुली का नाम सुना होगा आपने, एक लाल रंग का पत्थर होता था उसका ट्रेड ये करते थे। तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स आपको, या सिम्टम्स कह रहा हूँ या ट्रेसेस कह सकता हूँ मैं, आपको मिलेंगे जिनसे आपको पता चल सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो हैं वो क्या ट्रेड भी किया करते थे गाइस। उसके बाद हम देखते हैं सिस्टम क्या था, बार्टर सिस्टम था। इट मीन्स कि यहाँ पर पैसे का कंसेप्ट नहीं था, यहां पर मोस्टली जो चीजें होती थी वो बार्टर सिस्टम में होता था। बार्टर सिस्टम में होता है एक हाथ लो दूसरे हाथ दो, मतलब मैं आपसे दाल लूंगा चावल देकर, आप मुझे दाल देकर चावल लोगे। तो ऐसे सिस्टम में पैसा कहीं पर नहीं था, बार्टर सिस्टम हुआ करता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बार्टर सिस्टम का यूज करते थे। जैसे मान लीजिए कोई ग्रीक से अगर इनसे कॉटन खरीदने आया होगा तो वो ग्रीक से चावल या कुछ अपने साथ लेकर आएगा, वो इनको देगा, ये बदले में उसको कॉटन देंगे। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ मनी, याद रखना पैसे का कंसेप्ट कोई भी नहीं है यहां पर। करेंसी आगे आएगी, कैसे आएगी, जो वेरी जो है बार्टर सिस्टम जो है वो काफी इंटरेस्टिंग, ये याद रखना मेरा यार, ये मैंने आपको पहले बताया कि आयरन वाज नॉट नोन टू द पीपल। यहां पर लोहा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किस मेटल के बारे में नहीं जानते थे, तो दे डोंट हैव द कंसेप्ट ऑफ आयरन। वो लोहे के बारे में उनका कोई भी नॉलेज नहीं था, वो नहीं जानते थे कि लोहा भी होता है। ये वैदिक पीरियड में जब हम आएंगे, इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वैदिक पीरियड में आकर के वैदिक पीरियड में क्या हुआ है, आपकी जो सिविलाइजेशन है उसने आयरन के बारे में जानना सीखा है। हड़प्पन्स लुक्ड ऑन अर्थ एज फर्टिलिटी गॉडेस, ये मैंने कल भी आपको बताया था, ये लोग गॉड को जो अर्थ है उसको फर्टिलिटी गॉडेस कहते थे कि उसी से हम लोग सब अनाज उगाते हैं, इसलिए उसको गॉड का कंसेप्ट, गॉडेस का कंसेप्ट देते हैं, माता का या जो भी आप कह सकते हो अपनी भाषा में। एंड फैलिक लिंगम, जो आप आज शिवलिंग आप देखते हो मंदिरों में, शिव मंदिर में जाओ तो मोस्टली आपको शिवलिंगम जो है वहां पर देखने को मिलता है, तो ये उसकी भी पूजा करते थे। सोचिए फर्स्ट कंसेप्ट जो है वो शिवलिंगम था। कल हमने प्रोटो शिवा का नाम सुना था, एंड प्रोटो शिवा के साथ साथ हमको ये भी पता चला दैट ये फैलिक दैट इज लिंगम जो है वर्कशिप किया करते थे, साथ ही साथ जो है योनि की भी ये पूजा करते थे, ठीक है। सो काफी ज्यादा ये लोग जो है वो इस तरीके से देखा, आप पूरी सोसाइटी समझने की कोशिश कर रहे हो इनकी। जैसे आज आप अपनी लाइफ, अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपनी सोसाइटी को डिफाइन करो, तो आप कह सकते हो यहाँ पर इतनी टाइप की बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर इस तरीके का ट्रेड होता है। जैसे आजकल आप करंट अफेयर में पढ़ते हो, इंडिया ने इतना ट्रेड फलानी कंट्री के साथ किया, उस कंट्री के साथ इतना ट्रेड किया, पैसा है, ये है, वो है। आज आप बहुत सारी चीज़ें अपने देश के बारे में बता सकते हो, लेकिन ये वो टाइम था जब जो है इंसान ने जस्ट अभी रहना एक जगह पर स्टार्ट किया था। ये उस टाइम का सिस्टम आपको समझाया जा रहा है हर तरीके से, पॉलिटिकली, इकोनॉमी। आपने पॉलिटिकली देखा कि वहां पर क्या था, लोग जो हैं, जो क्लास है, रूलिंग क्लास कौन है। जैसे आज आपको बोलेंगे रूलिंग क्लास क्लास कौन सी है, तो आप बोलोगे डेमोक्रेसी है यहाँ पर, बिकॉज हम लोग डिसाइड करते हैं हमारा रूलर कैसा होता है। लेकिन इस टाइम पर जो है क्लास ऑफ मर्चेंट विल डिसाइड कि उनको जो भी स्टेट को कैसे चलाना है एंड ऑल दैट जो भी है। उसके साथ आपने देखा इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोग ट्रेड भी करते थे, बिल्कुल ट्रेड करते थे, एंड साथ ही साथ ये लोग जो है बार्टर सिस्टम का यूज किया करते थे। क्या क्या इनको पता था, क्या क्या इनको नहीं पता था, ये सब आप देख चुके हो। यूनिकॉर्न वॉज द मोस्ट वर्कशिप एनिमल, यूनिकॉर्न एक सींग वाला ये था आपका बुल भी कह सकते हो आप उसको, तो एक सींग वाला बुल जो है उसको उसकी वर्कशिप की जाती थी। मैनी ट्रीज, पीपल की भी पूजा करते थे, एनिमल्स की भी पूजा करते थे। तो ये इनकी रिलीजियस लाइफ डिस्कस हो रही है, तो अगर इनकी रिलीजियस लाइफ को हम देखें तो ये लोग जो है हाँ धर्म, देर इज नो कंसेप्ट ऑफ हिंदुइज्म, मैं नहीं कहूँगा यहाँ पर कहीं हिंदुइज्म का कंसेप्ट है, लेकिन हाँ ये लोग पूजा करते थे इन सब चीज़ों की। देखिए पीपल मतलब कहने का मतलब ये जानवरों को भी पूजते थे, ये पत्थरों को भी पूजते थे, साथ ही साथ ये लोग जो है हर तरीके से बर्ड को भी ये पूजते थे,
थे, देखिए हर चीज लिखा हुआ है, मैनी ट्रीज जैसे पीपल है, एनिमल को बुल है, बर्ड डव एंड पिजन है, एंड स्टोन्स टू वर वर्कशिप थ्रू, नो एविडेंस ऑफ टेम्पल हैज बीन फाउंड। लेकिन जो कंसेप्ट यहाँ पर समझने वाला है वो ये है दैट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो वहाँ पर हमें कभी भी या कोई भी ट्रेस जो है वो नहीं मिला है, नहीं कोई मंदिर का ट्रेस हमें यहाँ पर कोई भी कंसेप्ट नहीं मिला है। तो ये याद रखना, ये लोग पूजा करते थे, पूजा पाठ हर चीज़ की करते थे, पत्थर पूज रहे हैं, पक्षियों को पूज रहे हैं, पेड़ पूज रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें टेंपल जो है वो कहीं पर भी देखने को नहीं मिला है। तो टेंपल बनाने की जो रिवाज है ये थोड़ा लेटर ऑन आगे जाकर जो है वो शुरू होगा। हाँ, हमें यहाँ पर एक सील मिली है, ठीक है, उस सील पर क्या है, सील इज लाइक क्या बोलेंगे आपको, एक किसी तब एक ईंट होती ना जैसे, वैसे एक टाइप की एक सील होती थी, उसको भट्टी में पकाया जाता था एंड वो हम उसको कहते हैं सील। तो सील जो है, देखिए एक सील मिली है जिसपे हमें पशुपति डिसिप्स के बारे में, एलिफेंट टाइगर राइनोसोर्स एंड बुफेलो, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने किसी एग्जाम में देखा था उसमें ये पूछा गया था कि पशुपति जो सील है उसके साथ साथ जो है उस सील पर किन किन जानवरों के फोटोज जो है वो मिलते हैं। तो याद रखना है, हाथी है, टाइगर है, राइनोसोर है एंड बुफेलो, ये आपको उस सील पर इस पशुपति जो है उनके पैरों के पास, मैं भी आपको ये सील दिखाऊंगा, उसके पास में आपको जो है ये जानवर देखने को मिलते हैं। तो ये पूछा जाता है कि कौन सा नहीं था, या ये पूछा जाता कौन सा था। तो ये याद रखना, पशुपति सील के ऊपर हमें हाथी, टाइगर, राइनोसोर और बुफेलो जो है वो उस पर गड़े हुए मिलते हैं, ठीक है। टू डियर्स भी हमें वहां पर देखने को मिलते हैं इन द फीट ऑफ द पशुपति, याद रखना। इंडस पीपल बिलीव्ड इन घोस्ट, इन लोगों का ये भी मानना था कि भूत जो है वो होते थे, एंड इवल फोर्सेस के बारे में भी ये जो है कंसेप्ट रखते थे। हमें इसके सबूत कैसे मिले हैं, जब हमने खुदाई की हड़प्पा सिविलाइजेशन की तो हमने देखा कि इनके जो स्केल्टन मिले तो उनमें ना हमें तावीज मिले, एम्बुलेंट्स का मतलब देखिए यहाँ पर होता है तावीज, एम्बुलेंट्स का मतलब क्या होता है तावीज, तो इनमें हमें तावीज जो है गड़े हुए मिले इनके गलों में, इनके बाजू में। तो हमने ये अनुमान लगाया दैट ये लोग इनका यूज करते थे इन बुरी आत्माओं से बचाने के लिए, जैसा कि आज भी आप लोग जो हैं इस प्रैक्टिस को फॉलो कर सकते हो, देखा ही होगा आपने, या आप में से कितने बच्चों ने अभी भी गले में वो जो है तावीज पहना होगा, किसी पीर फकीर ने दिया ही होगा आपको, तो वो बुरी आत्मा से आपको बचाने के लिए, या आपको नजर न लगे आपके घर वालों ने जरूर आपके गले में जो है वो पहनाया होगा आपको। तो ये कंसेप्ट जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का था, वो लोग भूतों प्रेतों में विश्वास रखते थे, ठीक है, और इसके चलते वो लोग कहते थे कि तावीज पहनोगे तो तुम इनसे बचोगे। तो देखिए कितनी सारी चीजें आपकी इतने पुराने समय से आप तक फॉलो होती आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है गाइस वो पिक्टोरोग्राफिक है, याद रखना, पिक्टोरोग्राफिक का मतलब होता है लिखी हुई नहीं है, पिक्चर्स में बनाई गई है, ठीक है। कैसी है, पिक्चर शेप में है, कहीं घोड़ा बना हुआ है, कहीं गधा बना हुआ है, कहीं क्या बना हुआ है। हमने जितनी भी अभी तक हड़प्पा सिविलाइजेशन की खुदाई की है, खुदाई करने के बाद जो भी चीजें हमें मिली हैं उन चीजों में हमने आधे से ज्यादा चीजें तो अभी अनडेसिफर्ड है, हम उनको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जितनी चीज़ें हमें मिली हैं उनको, जितने को हमने कुछ चीज़ों को ट्रेस आउट करके हम लोग लिमिटेड नॉलेज ही गेन कर पाए हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। अभी भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसी हैं जो अनडेसिफर्ड हैं, जिनका हमें कोई नॉलेज नहीं कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमारा जो नॉलेज हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर है वो अभी भी इनकम्प्लीट है। अभी भी कोशिश की जा रही है हिस्टोरियंस के द्वारा, ठीक है, कि इस चीज़ों को समझा जाए। अभी भी खुदाई की जाती है, अभी भी नई नई चीज़ें हमें हर साल जो है कुछ ना कुछ नया मिलता है, और हम हर साल हिस्ट्री को जो है फाइंडिंग्स को बढ़ा रहे हैं और आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग कैसे थे। तो अभी तक जितना भी नॉलेज आपके पास मिलेगा ना, आप बुक्स में जितना कुछ भी पढ़ते हो, इट जस्ट मैं कहूँगा 3-4% नॉलेज हमें उस हिस्ट्री का मिल रहा है, ठीक है। अभी भी हम कंप्लीट उसके नॉलेज पर नहीं पहुंच पाए हैं गाइस, वो कैसे थे, क्या थे, और हमारी जितनी भी हिस्ट्री है वो क्या है, वो एक अनुमान के बेस पर है, हमने गेस वर्क किया हुआ है और उसी पर हमने अपनी हिस्ट्री जो है वो डेवलप की हुई है। सो हमें पता होना चाहिए दैट इनका जो स्क्रिप्ट था वो कैसा था, पिक्टोरोग्राफिक था, एंड हैजंट बीन डेसिफर्ड येट, और अभी तक ये डेसिफर्ड नहीं हुआ है। द स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, देखिए आज आप कैसे लिखते हो, जैसे यहां पर मैंने लिखा हुआ है बिल्कुल ऐसे, यहां पर रुका हूं फिर ऐसे, ये ऐसा नहीं लिखते थे। इनका जो लिखाई होती थी वो ऐसे लिखते थे,
फिर यहां से इधर से इधर के लिए लिखते थे, यहां से इधर के लिए लिखते थे, इसको इधर के लिए लिखते थे, फिर इधर ऐसे ऐसे इनकी राइटिंग जो है वो चलती थी। मतलब यहां से यहां तक लिखेंगे, फिर यहां से इधर तक लिखेंगे, फिर वहां से इधर तक लिखेंगे, तो इसी फॉर्म को हम कहते हैं बस्ट्रोफिडोन। याद रखना है इसको, क्या कहते हैं? बस्ट्रोफिडोन इस प्रोसेस को हम कहते हैं। ये याद रखना कि जो अगर आपसे पूछा जाए कि सिविलाइजेशन की जो राइटिंग थी वो किस टाइप की थी, तो आप कहोगे वो बस्ट्रोफिडोन था। याद रखना गाइज, यहां पर लिखा हुआ है और इस कंसेप्ट को भूलना मत, ठीक है? हम क्या कहते थे उसको? बस्ट्रोफिडोन। बस्ट्रोफिडोन का मतलब होता था यहां से यहां तक लिखना, यहां से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसे चलते रहना, ठीक है? सो ये आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है इन टॉपिक्स के बारे में। देखिए जितना भी आपने यहां पर पढ़ा, कोई बात नहीं, जब इनके हम एमसीक्यूज करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए ये है वो सील जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में मिली है। तो कुछ इस तरीके से ये लोग इसको पशुपति शिवा कहते हैं, जो आज भी हम शिव की जो पूजा करते हैं वो इसी इमेज को माइंड में रखकर जो है हमने जो है जो आजकल इमेजेस बन रही हैं वो एक तो हमारी इमेजिनेशन है ना, अदरवाइज देयर इज, जैसा हम हर रिलीजन यही कहता है दैट देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ गॉड, इट इज वेरी हार्ड टू डिफाइन दैट वेदर अ गॉड इज मेल और फीमेल और वट एवर जो भी है। सो लेकिन जो सील हड़प्पा सिविलाइजेशन में हमें मिली है वहां पर हमें पशुपति महादेव का जो है यही फोटो जो है वो मिलता है, जिस पे हमें टाइगर, एलिफेंट, बुल ये वगैरह जो है, ये देखिए टू डियर इसके उनके फुट के पास बैठे हुए हैं, पोस्चरिक फॉर्म में ये बैठे हुए हैं, ठीक है, इस शेप में, और ये कंसेप्ट हमें यहां पर मिलता है। एंड ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये मानना था कि ये कौन से गॉड है, ये है उनके पशुपति, मतलब प्रोटेक्टर ऑफ द एनिमल्स, ये वो भगवान है या वो गॉड थे जो उनके एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते थे, साथ ही साथ उन लोगों को भी प्रोटेक्शन देते थे। तो कुछ इस तरीके से आपको ये सील देखने को मिलेगी। उसके बाद हम देखें तो ये है गाइस बस्ट्रोफिडोन। देखिए ये इन्होंने सिंबल यूज किए हुए हैं अपनी राइटिंग में, और स्वास्तिक का साइन भी हमें यहीं पर मिला है गाइस, याद रखना स्वास्तिक का साइन भी हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन से ही मिला है, जो आजकल आप अपने घरों में बनाते हो या दीवारों पे लगाते हो या गले में भी लगाते हो, टैटू लोग बनवा रहे होते हैं इसका, तो ये जो स्वास्तिक का निशान है ये हड़प्पा सिविलाइजेशन से ही चलता आ रहा है। साथ ही हम देखें ये है यूनिकॉर्न, ये भी हमें सील वहां पर मिली है, और इस सील पे देखिए यूनिकॉर्न जो है एक बुल है जिसका एक सींग है जिसके बारे में हमें नॉलेज मिलता है। उसके बाद बुल, इस तरीके से हड़प्पा के लोग, इस बुल का भी हमें सील मिली है जिसपे वो लोग जो है बुल की शक्ल बनाई हुई है जिसको वो पूजा करते थे। साथ ही साथ ये है गाइस पूरा उनका टाउन किस तरीके से देख रहे हो, घर एक जैसे घर है, पूरे फोर्टिफाइड एरिया है। देखिए फोर्टिफिकेशन के बाहर भी लोग रहते हैं, अंदर भी लोग रहते थे, तो ये हो सकता है सिटाडेल, जो मैं आपको बता रहा था कि इनकी जो सिटी थी, टाउन थे, वो दो हिस्सों में डिवाइड थे, एक तरफ इनका जो है आपका लोअर सिटाडेल है और अपर सिटाडेल है, और दोनों में जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि अपर सिटाडेल में ऑब्वियसली मर्चेंट क्लास रहती थी जो रूलिंग क्लास थी, और बाहर उस फोर्टिफिकेशन के बाहर जो आउटर साइड था उसमें कॉमन लोग रहा करते थे। तो ये है हड़प्पा सिविलाइजेशन की इमेज, ऐसी इमेजेस आप गूगल पे ऑफकोर्स सर्च कर सकते हो, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में मिलेगी। और ये सील्स याद रख लेना गाइज, बिकॉज ये चीज़ें आपके माइंड में, हो सकता है बहुत सारे बच्चे फर्स्ट टाइम ही देख रहे हो, तो इन चीज़ों को याद रखना, और ये सील्स हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन में मिलती है। क्लियर हुआ ये चीज़? चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है आपके लिए। ओके, वंस अगेन एक और अनाउंसमेंट मैं आपके लिए करने जा रहा हूँ, दैट आपको पता है लाइव डेमो क्लासेस हमारी चल रही हैं, हमारे ऐप के ऊपर आप जा सकते हो, हमारे ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पर आपको फ्री डेमो क्लासेस दी जा रही हैं, लाइव जो है यहाँ पर डेमो क्लासेस चल रही हैं, जहाँ पर मेरी क्लास तो हो चुकी है बिकॉज वो कल थी 24 दिसंबर को, एंड ऑफकोर्स बाकी टीचर जैसे 25 को यहाँ पर इंग्लिश की है, एंड 26 को संडे को बायोलॉजी न्यूट्रिशन ऑफ भाई अंकित सर आपको पढ़ाएंगे। सो गाइज, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स एक बार जाकर देख लो यार, ऐप को डाउनलोड कर लो, ऐप पर जाओ, इस कोर्स को देखो, और अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर चीज़ें जो हैं अच्छी हैं, या हमको लाइव जो है टीचर के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिल रहा है, तो डेफिनेटली ये आपके लिए ही फायदेमंद रहने वाला है। मैं स्पेशली उन बच्चों को बोलूँगा जिनको अभी के लिए लगता है कि नहीं एक प्रॉपर गाइडेंस प्लस प्रॉपर जो है रिक्वायरमेंट है उनको टीचर की गाइडेंस की, तो वो जाकर ज़रूर यहाँ पर देखें। और फर्स्ट टाइम जो बच्चे ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और ये चीज़ तो वो ज़रूर करेंगे। नहीं समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हमारे ऑफिशियल नंबर हैं, आप इन पर कॉल करके पता कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब
पढ़ते हैं कि सिविलाइजेशन जो थी यहाँ के लोग करते क्या थे, ऑक्यूपेशन क्या था। तो देखिए ये बहुत सारे ऑक्यूपेशन करते थे, स्पिनिंग करते थे, वीविंग करते थे, बोर्ड बनाते थे, गोल्ड स्मिथ यहाँ पर थे, मेकिंग पॉटरी बर्तन बनाते थे और सील मेकिंग का ये काम करते थे। सील मेकिंग गाइज ऐसे याद रखना जैसे आज आपके एफिडेविट होते हैं ना जिसपे आप ठप्पा लगाते हो तो कोई भी चैलेंज नहीं होता है, वैसे उस टाइम पर कागज नहीं था। मतलब यहाँ से आप ये चीज़ अनुमान लगा सकते हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो किसका यूज नहीं जानते, मतलब उनको अभी पेपर का कंसेप्ट नहीं पता था कि पेपर भी कोई चीज होती है। तो वो क्या कहते थे, जैसे हम मिट्टी की सील बनाते थे फिर उस पर लिख कर उस पर ठप्पा लगता था, फिर उसको भट्टी में गर्म करके रखा, जैसे आप ईंट है ना ईंट पे कुछ भी लिख दो तो वो कभी खराब नहीं होता, फिर उसको जितना भी आप जो भी कर लो। तो ये सील जो है उस तरीके की आपको मिलेगी और इसी तरीके से आपने इसका देखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कहा जाता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो डिक्लाइन हो गई थी, खत्म हो गई थी, और उसके बहुत सारे सोर्सेज हैं डिक्लेरेशन के, मतलब डिक्लाइनेशन के, कि कैसे डिक्लाइन हुई होगी। तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो डिक्लाइनेशन है वो कैसे हुई थी, कि आर्यंस जब सेंट्रल एशिया से उठकर इस एरिया में आए तो उन्होंने इन पर अटैक किया, उनको खत्म कर दिया। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, लगातार वहां पर फ्लड आते रहे, लेकिन कुछ लोगों का था कि ये लोग सोशली ब्रेकअप हो गया, कुछ लोगों का मानना था यहाँ पर अर्थक्वेक आ गया जिससे हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो खत्म हो गई थी। तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं इसकी डिक्लेरेशन के, तो इसके बारे में भी जरूर पढ़ेंगे कि किसने क्या कहा था, मतलब किसके द्वारा क्या जो भी रहा था। एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें आपके लिए समझने वाली है इसकी बाउंड्रीज गाइस, इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट। हम देखते हैं कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो कहां से, या इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है वो कहां से कहां तक जो है वो फैली हुई थी। तो देखिए नॉर्थ में अगर हम देखें, मैं ऐसे करके इसको समझाता हूं, देखिए ये हमारा नॉर्थ है, ठीक है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा वेस्ट है, सॉरी ये हमारा वेस्ट है और ये हमारा ईस्ट है, ठीक है, ये हमारा ईस्ट है। तो नॉर्थ जैसे ये, अब मैं इसको ऐसे सर्कल मार सकता हूं, ठीक है, ऐसे करके मैं सर्कल मार सकता हूं, तो मैं कहूंगा कि ये नॉर्थ में कहां पर थी, नॉर्थ में थी ये जम्मू कश्मीर में मांडा, जरूर आपने गए होंगे, अखनूर वाली साइड है ये। सो मांडा जम्मू में से लेकर साउथ में अगर आप नीचे चले जाओगे तो कहां पर है ये, दाइमाबाद महाराष्ट्र। गाइज ये याद रखना, नर्दर्न एक्सटेंशन कहां पर है इसकी, मांडा से लेकर साउथ में दाइमाबाद महाराष्ट्र, इधर महाराष्ट्र तक, यहां पर देख लो ये है, यहां से लेकर पूरा आप नीचे जाओगे दाइमाबाद नीचे तो यहां राजस्थान में आपको दिखेगा, गुजरात का पार्ट भी इसमें है। उसके बाद ईस्ट में देखोगे, ईस्ट में यहां से ये कहां पर है, आलिमगढ़पुर, सॉरी ये हाँ ईस्ट में इस तरफ है, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूं। यहां पर वेस्ट में देखोगे तो सुक्ता केंद्र पाकिस्तान, देखिए आज सुक्ता केंद्र इधर है, सुक्ता केंद्र से लेकर ये यहां तक है, अलीपुर जो आपका आलमगीरपुर है यूपी में, तो ये इसकी पूरी ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन थी, इतने एरिया में फैला हुआ था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। गाइस समझना इस बात को, और एक चीज मैंने आपको कल भी बताई थी दैट ये जो आज हमारा ये एरिया जो है ये प्लेन एरिया है इंडिया का, आज मोस्टली पॉपुलेटेड एरिया ये है, लेकिन हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम पर ये पूरा एरिया खाली था, ये लोग यहां पर नहीं रहते थे, बल्कि इन लोगों का जो रहने सहन था ये देखिए थार डेजर्ट को भी ये में नहीं रहते थे, तो इस तरीके से फैला हुआ था ये, इसका बनेगा मैप, ये आप मैप में समझ रहे हो ये कहां पर है। आज के हिसाब से देखोगे तो ये देखो, आज मैप देखो तो मतलब आप एक काम करना, इस मैप का फोटो ले लो आप सबसे पहले, ठीक है, या गूगल पे सर्च कर सकते हो तो कर लेना, इस मैप को और आज के मैप को देखना कितना फर्क आपको देखने को मिलेगा। आज ये सारी जगहें भर चुकी हैं, लेकिन जब फर्स्ट टाइम जो सिविलाइजेशन हमारी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन वो ऐसे एरिया में पूरी फैली हुई थी, इंडस ये रही, इंडस रिवर इधर और ये लोग इसके आजू बाजू में, ये देखिए मोहनजोदारो यहां पर है, ठीक है, कराची यहां पर है, ठीक है, ऐसे ऐसे आपको ये महनगिरी है, ठीक है, ये पूरा एरिया आपको देखेगा कि किस तरीके से इनकी सिविलाइजेशन कैसे फैली हुई थी। गाइस क्लियर हुआ ये चीज आपको, एक बार मैप देखना बहुत जरूरी है ताकि आप इसके बारे में समझ सको, ठीक है, एक बार मैप देख लेना, मैप से ही आपको पता चल रहा है दैट ये कैसे कहां कहां पर जो है इसकी एक्सटेंशन है। सो ये थी गाइस आज की क्लास आपके लिए, जिसमें मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है आपको बताई, उसके ज्योग्राफिकल एक्सटेंट से लेकर उसका पॉलिटिकल सिस्टम आपको समझाया कि कैसे वहां पर लोग गवर्न होते थे, उसकी ट्रेड के बारे, इकॉनमी के बारे में मैंने आपको बताया,
ऐसे भी और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे लगातार बेस पर, एंड ऑफ कोर्स इसके एमसीक्यूज भी मैं आपको करवाऊंगा। एंड गाइस ये मत भूलिएगा कि हमारे लाइव डेमो भी चल रहे हैं ऐप पर, एक बार जाकर जरूर रजिस्टर करें अपने आप को और देखें वहां पर, एंड जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं ऑफ कोर्स वो जो हैं इसको एक्सेस कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको वो दिखा दूँ, ठीक है, ताकि आपका जितने बच्चे इसका अगर लेना चाहें, नंबर वगैरह लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं दैट जो जिनका ये रहता है कि सर हमें पता नहीं, हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं या जो भी हमें चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो वो डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर्स पे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, कल हम फिर से हाजिर होंगे आपके सामने कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें जेके एग्जाम क्रैकर के साथ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अपने कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज जरूर शेयर कीजिएगा, एंड कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो जरूर वो भी कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। सो गाइस कल मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने आस पड़ोस का ध्यान रखें और जुड़े रहें जेके एग्जाम क्रैकर के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।